नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के चमोली की इस खबर के साथ, जहां विकासखंड देवाल का एक गांव एठा है। ये गांव विकासखंड मुख्यालय से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, लेकिन यहां के लोगों को आवागमन के लिए हमेशा ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यहां के लोगों की दशकों से एक मोटर मार्ग की मांग अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। आजकल बरसात के मौसम में आए दिन यहाँ का पैदल रास्ता जगह जगह से टूट जाने से यहाँ के लोगों और स्कूली बच्चों को एठा से देवाल तक आने जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ ऊपरी तरफ पहाड़ है तो नीचे की तरफ पिंडर नदी की गहरी खाई, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को अपने स्कूल जाने वाले बच्चों की हमेशा चिंता बनी रहती है। यहाँ के लोगों और स्कूल के बच्चों ने बताया कि बारिश के दौरान बहुत बार तो उनको या तो घर पर ही रहना पड़ता है या बीच रास्ते में फंस जाते हैं। ऐसे में उनकी शिक्षा भी प्रभावित नहीं होती है, बल्कि बीमार लोगों को भी समय से इलाज नहीं मिल पाता है। तो ये तस्वीरें हैं एठा गाँव की। चमोली का एठा गाँव है जहाँ पर जगह जगह पानी भर जाता है, जिससे स्कूली बच्चों को भी समस्या होती है और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल ले जाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सर, रास्ते की हाल ऐसे है कि स्कूल के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं आजकल घरों में ही बंद हैं, क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है, छोटे बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे और बाकी रोड बड़ी दिक्कतें हो रही है रास्ते की, टूट फूट बहुत ज़्यादा है और लोग घरों से निकल रहे हैं, स्कूल के बच्चे जा नहीं पा रहे स्कूल में। ये जंगलात विभाग बिल्कुल सर, बीच में डिपो साहब को लेटर लगवाया था, इस पर पता नहीं क्या चल रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई हुई या नहीं, अभी तक कोई संज्ञान में बात नहीं आई और मैं चाहता हूँ कि मतलब इस रोड को जल्दी से जल्दी करवाएं। दिक्कत ये है सर, वहाँ रास्ता बहुत बुरी तरीके से टूट चुका है, जहाँ से बच्चे नहीं आ पाते हैं, हम लोग खुद चट्टान पकड़ पकड़ के जाते हैं, नीचे नदी है, करीब नदी है, ऊपर को पूरी चट्टाने हैं, इस रास्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बीमार आदमी को तो घुमा के कहाँ से लेकर आना पड़ता है, हमको वहाँ से चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जो सारे होते हुए तब मार्केट आप पहुँच पाते हैं। क्या मोटर मार्ग नहीं है? मोटर मार्ग की कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ पे, हमने कहीं दफे बताया पर मोटर मार्ग की दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और रास्ता हमारा बरसात में तो ऐसा हो जाता है कि मतलब लोगों को राशन भी मिलना मुश्किल हो जाता है, ये समस्या बहुत ज़्यादा है रोड के बारे में। हर बार हम जंगलात वालों से भी शिकायत करते हैं पर सुनने के लिए कोई राजी नहीं होते हैं, और वही 2-4 लेबर लगाए, थोड़ा रास्ता खोल दिया आने जाने का, मतलब जो दिक्कत है वो दिक्कत की दिक्कत ही रह जाती है। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक में 70 परिवार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण पिछले 11 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने देवप्रयाग विधानसभा के विधायक विनोद कंडारी की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी तरफ से संबंधित अधिकारियों को कई बार पानी की समस्या से अवगत करवा दिया गया है, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई सुध नहीं ली जा रही। पेडुला ग्राम सभा के ग्रामीणों ने इससे पहले भी आंदोलन किया था, लेकिन तत्कालीन उपजिलाधिकारी अजय वीर सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि ग्रामीणों को जल्द पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों की पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीण कई किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया है। तो पानी की समस्या से गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पानी की समस्या से बताया जा रहा है कि 70 परिवार जूझ रहे हैं और इन्हीं लोगों ने पहले भी इस तरह की मांग की थी कि पानी की समस्या को दूर किया जाए, लेकिन जब समस्या दूर नहीं की गई तो ग्रामीणों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी किया और विधायक की शव यात्रा निकाली। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में बंद पड़े मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक अमित कुमार ने बताया है कि वो लोडिंग वाहन चालक हैं और वो रात को अपने काम से बाहर गया हुआ था और परिवार के बाकी सदस्य अपने किसी रिश्तेदार के यहां गए हुए थे। उन्होंने बताया कि सुबह आस पड़ोस के लोगों की तरफ से फोन पर जानकारी दी गई कि घर में चोरी हो गई है। सूचना के बाद जब मकान मालिक ने अपने घर में आकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि घर में रखे तकरीबन 25,000 रुपए सहित ज्वेलरी भी चोरी हो गई है, जिसके बाद मकान मालिक की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटाने के बाद चोरों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। तो हरिद्वार का ये मामला है जहां पर बंद पड़े मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया है और इसकी जानकारी मकान मालिक को तब हुई जब उनके आस पड़ोस के लोगों ने उनको फोन पर इस बात की सूचना दी है।
यहाँ रोज जुआ खेला, तीन तीन चार जगह सट्टे लग रहे, शराब पी जा रही, यहाँ से किसी का रहने का धम धड़ाम थोड़े रह रहा, ये तो पड़े हम खाओ गए, यहाँ लड़ रहे रोज, जूता पत्थरी हो रही, और तो यह भी उसी के कारण है, रात को चोरी नहीं करेंगे, घूमते रहेंगे, रात सारा दिन जुआ खेल लेंगे, कहाँ से पैसे आवेंगे, वो हारेंगे तो फिर चोरी नहीं करेंगे, तो पैसे इनका बाप दे रहा है यहाँ, ये चोरी तो करके खा रहे हैं क्या यहाँ, और क्या करेंगे, घेरा पीछे है, गाड़ी के पीछे खेल रहा है सारा दिन, उस प्लॉट में खेल रहा है, चार जगह खेल रहे हैं, दारू भी पिए हैं भाई, पूरा दिन भी पिए, हाँ बिके भी हैं भाई, पक्का यहीं बिक गए, यहीं पी जा रही, यहीं खरीदते जा रही, सब यही हो रहा था। सर मैं गाड़ी पे था, मेरे पास अभी सुबह सुबह फोन गया था मेरे पड़ोसी का कि आपके घर में चोरी हो चुकी है, मेरे घर में कोई सदस्य नहीं था, ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ आके देखा, मैंने सारा ताला टूटा हुआ था मेरे मकान का, और मैंने अंदर आके देखा संदूक के ताले टूटे हुए, सेफ का ताला टूटा हुआ, और मेरे बेड का ताला टूटा हुआ, सारा मतलब कपड़े लत्ते हर चीज़ इधर से उधर पड़ी है, ठीक है, जिसमें कि मेरे जो पैसे थे वो चोरी हो चुके हैं 25,000 रुपये, बाकी सोने की चीज़ थी, चांदी की चीज़ थी, वो चोरी हो चुकी हैं, ठीक है सर, और बाकी मैंने अभी पुलिस को भी सूचना दी थी सुबह, तो पुलिस भी आ करके अपनी जो लिखा पड़ी कार्रवाई है वो करके जा चुकी है, उन लोगों ने मेरे को बोला था कि थाने आना पड़ेगा, मैं भी थाने जाऊंगा, वहाँ देखता हूँ क्या मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है उनसे, ठीक है, लगभग चोरी जो है मेरी 1 से 1.5 लाख रुपये की चोरी हो चुकी है सर मकान के अंदर, शंका तो सर अब मोहल्ले पड़ोस में किसको ऐसे क्या कह देंगे हम, ये है कि हाँ जो यहाँ लड़के बैठते हैं, जो सुरपा पीते हैं, गांजा पीते हैं, यहाँ बराबर में मिस्टेक बनाते हैं 10-10 लड़कों की, मेरे को तो उन पर ही थोड़ा डाउट है, बाकी मैं चाहता हूँ कि पुलिस आकर के एक बार इस चीज़ के मामले की इंक्वायरी करे, क्योंकि आज मेरा घर है, कल को दूसरे का भी है। वहीं उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल फीवर के बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कुशीनगर के स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के साथ बैठक कर बीमारियों से निपटने की तैयारियों की जानकारी ली है। सर्किट हाउस में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सर्किट हाउस में ही स्वास्थ्य मंत्री ने CMO, CMS और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। लगभग 1 घंटे तक चली बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने बिंदुवार समीक्षा की है। इस दौरान CMO ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी से उनको अवगत कराया, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों की कमी को दूर करने का आश्वासन दिया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया है कि प्रदेश में डेंगू और वायरल फीवर के इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर टीकाकरण किया है। आज उत्तर प्रदेश टीकाकरण में पूरे देश में नंबर 1 पर विराजमान है। कुशीनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे, उन्होंने समीक्षा बैठक भी की है, इसके साथ ही उन्होंने जो भी समस्याएं थी उनका जल्द निस्तारण करने की बात कही है। चिकित्सकों ने उन्हें अवगत कराया था कि यहां पर चिकित्सकों की कमी देखने को मिल रही है, ऐसा जब उनको जानकारी मिली तो उन्होंने कहा है कि जल्द ही समस्या को दूर कर दिया जाएगा। बैठक में CMO, CMS समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। लखीमपुर खीरी में गुरुद्वारे में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को पकड़ लिया है। अभियुक्तों के पास से नाजायज असलहे भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने गुरुद्वारे में घुसकर चोरी की थी, जिसकी सूचना गुरुद्वारा कमेटी ने संपूर्ण नगर पुलिस को दी थी, जिसके बाद संपूर्ण नगर पुलिस की तरफ से वीडियो फुटेज के आधार पर 2 युवकों को पकड़ा गया, जिनके पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। जांच के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को फिलहाल जेल भेज दिया है। तो गुरुद्वारे में हुई चोरी का यह मामला था जिसका पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है, और पुलिस ने खुलासा करते हुए गिरफ्तारी की है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अर्मा रावत की तरफ से लक्सर क्षेत्र के अलग अलग गांवों में लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है, जहां क्षेत्र के लोगों की तरफ से उनका फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। उसी कड़ी में अनुपमा रावत और किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी लक्सर के गाँव बहालपुरी में पहुंचे, जहाँ लोगों की तरफ से उनका फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंची महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जनहित के कार्य करने में पूरी तरह से फेल हुई है, और आज युवा, किसान, महिला एवं सब परेशान हैं। उन्होंने कहा कि लोग सत्ता परिवर्तन का पूरा मन बनाए हुए हैं और यहां दोबारा कांग्रेस को ही लेकर आएंगे।
किसान कांग्रेस एवं युवक कांग्रेस ने मिलकर कार्यक्रम का आयोजन भागपुर में किया। और आप सब जानते हैं कि आज जो माहौल पूरे प्रदेश में है, भाजपा सरकार पूरी तरीके से डबल इंजन सरकार विफल रही है कोई भी जनहित के कार्य करने में। आज युवा और किसान महिलाएं सब परेशान हैं, उसके विरोध में यहाँ के ग्रामवासियों ने सभा का आयोजन किया जिसमें हमको आने का मौका मिला, मुझे और हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील राठी जी को और हमारे सभी वरिष्ठ जनों को। हम यहाँ पहुँचे और लोगों में बहुत गुस्सा, बहुत रोष है और सब हमारी उन लोगों से संवाद भी हुआ, लोगों से यहाँ के ग्रामीण लोगों से, उन्होंने यही कहा है कि हर वर्ग को भाजपा ने अपने पूरे 5 साल में ढूंढने का कार्य किया है और ये मन बना चुके हैं कि सत्ता परिवर्तन ये करेंगे और दोबारा से यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट। कांग्रेस हमेशा से किसानों के साथ रही है और हमेशा किसानों के साथ रहेगी, क्योंकि जिस तरह से ये सरकार है इन्हें जो किसानों से बड़े बड़े वायदे किए लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया। इन्होंने किसानों से वायदा किया था कि आपकी आमदनी दोगुना की जाएगी और आज आमदनी क्या उनका अपनी फसल का पैसा नहीं मिल रहा, और इन्होंने वायदा किया था कि आपकी कर्जे माफ की जाएगी, आमदनी जो है दोगुना की जाएगी। और जिस तरीके से आज किसान हमारे 10 महीने से सड़क पर पड़े हुए हैं और ये सरकार इनको सुनने दे रही, आने वाले जो चुनाव है इसमें किसान इनको दिखाएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा और इनको इनकी औकात जहाँ से 2 से शुरू होते भाई पहुँचा करेंगे। सितारगंज शक्ति फार्म क्षेत्र के बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में क्षेत्र की महिलाओं की तरफ से शक्ति फार्म बाजार में एक जनसभा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज विधायक सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति फार्म बाजार में एक जनसभा का आयोजन कर मिशन 2022 के मद्देनजर क्षेत्र की जनता को जागरूक किया गया। वहीं जनसभा में उपस्थित महिलाओं ने शक्ति फार्म बाजार में स्थित सुभाष चौक के सौंदर्यीकरण और पर्वतीय मंदिर बनाने की मांग करते हुए क्षेत्र की कई समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन विधायक बहुगुणा को सौंपा है और कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने की गुहार भी लगाई है। तो हर जगह लोगों से मिलते रहते हैं, बैठते हैं, तो आज हमने वार्ड नंबर 3 की यहाँ पर हमारी माताएं बहनें हमारे वार्ड नंबर 3 के सारे लोग हैं और एक जनरल मीटिंग थी। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की तकलीफें समझ रहे हैं, लोगों को क्या और होना चाहिए शक्ति फार्म सितारगंज में उसकी जानकारी दिखा रहे हैं, क्योंकि हमको जो भी रोड मैप बनाना पड़ता है उसके लिए लोगों की राय लेनी पड़ती है। नेता वही अच्छा होता है जो लोगों की राय लेके काम करें, ना कि अपनी ज़बरदस्ती कोई काम कराए। आज लोगों के बीच आए थे, लोगों से बात करिए, कुछ प्रपोजल सामने आए हैं, उन पे हम कहीं ना कहीं चर्चा करके कुछ करेंगे। सर, जो माता बहनों ने आपको प्रपोजल सौंपा है, क्या है प्रपोजल? ये एक उन्होंने हमारे को जो पर्वती समाज के लोग यहाँ पर शक्ति फार्म में बसे हुए हैं, काफ़ी लोग बसे हुए हैं, उन्होंने अपने इष्ट देवता के लिए एक मंदिर की डिमांड करी है, तो उसी पे एक प्रपोजल बोला। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में अकील अहमद अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी का कार्यक्रम करने गए हुए थे। शादी में वो अपनी पत्नी और एक छोटी बच्ची को भी साथ ले गए थे और अपने घर पर उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को छोड़कर मकान को पूरी तरह से लॉक कर दिया। उनके घर से जाने के कुछ देर बाद ही चोरों ने घर का लॉक तोड़कर घर में घुसकर लूटपाट की। इत्तेफाक से इसी दौरान अकील अहमद अपने परिवार के साथ शादी से वापस घर लौट आए। चोरों ने जब युवक और उसके परिवार के लोगों को घर में घुसता देखा तो चोरों ने अकील और उसकी पत्नी और बच्चों की तरफ से फायर करते हुए वो लोग वहां से भाग निकले। वहीं गोली लगने से तीनों लोग घायल हो गए। अपने माता पिता और छोटी बहन के घायल होने पर अकील अहमद की बड़ी बेटी नूरीन दहशत में आ गई जिससे उसकी हालत बिगड़ गई है। घायल परिजनों के शोर शराबा करने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना से दहशत में आई नूरीन की मौके पर ही मौत हो गई जिससे परिवार में कोहराम मच गया। घटना के बाद परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद नवाबगंज CO और SHO सहित पुलिस चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में पीड़ित परिवार के लोगों से बात की। मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर 3 अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा मामला दर्ज कर लिया है। थाना भोजीपुरा के ग्राम धौराटांडा में दिनांक 8/9/2021 की रात्रि में श्री अकील अहमद अपने एक रिश्तेदार की शादी से सपरिवार वापस आ रहे थे। जब वो अपने घर पर पहुंचे थे तभी उनके ऊपर 3 लोगों ने
एक फायर किया था जिसके छर्रे उनको और उनके परिवार के दो अन्य लोगों को लगे थे, जिसमें वो मामूली तौर पर इंजर्ड हो गए थे, जिनमें उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था तथा उनके परिवार की मेंबर की तरफ से थाना भोजीपुरा में 307 IPC बनाम 3 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। उसी प्रकरण में आज सुबह उनकी एक अन्य पुत्री, जिनका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं था, जो जिनकी उम्र लगभग 20 साल है और वो दिव्यांग थी तथा पोलियोग्रस्त थी और पूर्व से बीमार चल रही थी, उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, जिनका अंतिम संस्कार उनके घर वालों ने किया है और बताया भी है कि उनका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। जो घटना 307 IPC की पंजीकृत की गई है उसके मोटिव्स की जानकारी की जा रही है और अज्ञात अभियुक्तों के बारे में जानकारी की जा रही है। बहराइच के फखरपुर थाना क्षेत्र में धान के खेत से 2 मासूम का शव बरामद किया गया है, जिस इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतक लड़के की उम्र 8 साल और मृतका लड़की की उम्र 10 साल की बताई जा रही है। दोनों बच्चों की हत्यारों ने निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारों ने शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया। पशुओं के लिए घास काटने गए किसानों ने धान के खेत में जब दोनों बच्चों का शव देखा तो मामले की सूचना SO फखरपुर राजेश कुमार को दी। दोनों बच्चों की पहचान नहीं हो सकी। हत्या शुक्रवार की रात की बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंचे SO ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो तस्वीरें बहराइच के हैं, जहां पर खेत में 2 मासूम बच्चों का शव मिला है। आपको बता दें कि घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। शवों की पहचान, शवों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। कि फखरपुर थाना क्षेत्र के गजादरपुर गांव है, उसका एक पुरवा है बसंतापुर, वहां पे गन्ने के खेत में एक लड़की और एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है, जिसके गर्दन पर धार धार हथियार से चोट है और बच्ची की उम्र करीब 10 वर्ष होगी और बच्चे की उम्र करीब 8 वर्ष होगी। गांव के लोगों का कहना है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति 2 व्यक्तियों के साथ ये बच्चे गाँव में घूमते हुए देखे गए हैं। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, अति शीघ्र इसकी शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है। स्वाट टीम और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर मौजूद है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घटना का शीघ्र अनावरण किया जाए। फिर मौके से कोई चीज़ बरामद हुई है या नहीं? मौके से ब्लड लगा है और गिरा हुआ है और अभी ऐसा कोई वस्तु नहीं बरामद हुई है। आला कतल की भी हम लोग खोज कर रहे हैं अगल बगल। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के बिजनौर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे बबली नाम की महिला खिलाड़ी का शव मिला था। इस घटना को लेकर आज रेलवे SP मुरादाबाद अपर्णा गुप्ता ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर मृतका के घर वालों से बातचीत की है और जल्द ही घटना के खुलासे की बात कही है। इस घटना को लेकर SP अपर्णा गुप्ता ने बताया कि महिला खिलाड़ी का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला था। परिजनों की तहरीर के आधार पर GRP पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला खिलाड़ी के शव का आज पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। तो बहराइच का यह पूरा मामला है, जहां पर महिला खिलाड़ी की हत्या कर दी गई थी और उनका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला था, जिसको लेकर आज SP अपर्णा गुप्ता ने बताया है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है। SP अपर्णा गुप्ता आज परिजनों से मिलने पहुंची थी और वहां पर उन्होंने मुलाकात करने के बाद कहा है कि इस मामले को पुलिस गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। यहां पे कल एक सूचना प्राप्त हुई थी चौकी बिजनौर पे कि एक लड़की की बॉडी मिली है। तो इसके ऊपर जब बॉडी मिली थी तो उसके ऊपर हमने FIR पंजीकृत कराई है सुसंगत धाराओं में, और पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद अब PM उसका चल रहा है और आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें करके सही तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। गाजियाबाद के मसूरी के जंगल में एक युवक का शव मिला है। शव पर कई घाव के निशान भी पाए गए। वहीं शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक हत्या का क्या कारण है वो पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना रजपुरा के अंतर्गत ग्राम न्योरा से एक व्यक्ति, इसकी उम्र 35 वर्ष है, नाम लालाराम का शव आज एक खेत से बरामद किया गया है। सूचना प्राप्त होने पुलिस के द्वारा पहुंचकर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। यह व्यक्ति ग्राम अकबरपुर थाना गुन्नौर का रहने वाला था।
तथा ग्राम न्योरा में अपने ससुराली जनों के साथ में रह रहा था। ज्ञात हुआ है कि यह स्वयं एक मर्डर के मामले में जेल गया था और बेल पर पिछले कुछ समय से बाहर आया था और उसके बाद से अपने ससुराल में रह रहा था। मौके पर सभी पक्षों की जांच की जा रही है, सभी एंगल्स को खंगाला जा रहा है। सर्विलांस व SOG की मदद से इसका जल्द ही अनावरण करने के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रचना गुप्ता ने रेलवे कॉलोनी के पास तालाबों में मछलियां छुड़वाई हैं। आपको बता दें कि इन मछली को लोग कहीं भी किसी भी तरह के तालाब, गड्ढे, नाली में डाल सकते हैं जो मगरमच्छ के लार्वा को खा जाएगी। इस मछली का मुख्य भोजन मच्छरों का लार्वा है। इस मछली की सबसे खास बात यह है कि यह अंडे नहीं देती बल्कि बच्चे देती है। पानी पर अंडे देने वाले मच्छरों के लार्वा को ही मच्छर पैदा होने से पहले ही ये मछली खा जाएगी और मच्छरों की बढ़ती तादाद पर रोक लगेगी। यहाँ शहर के बीच में इस तालाब में गंबूशिया मछली यहाँ पर छोड़ी गई है और इसका ये लाभ है कि डेंगू का जो लार्वा है जो तालाब में या खड़े पानी में होता है उसको ये खाती है। तो ये मछलियाँ जो हैं ये बहुत ही जल्द इस तालाब के अंदर जितना भी लार्वा यदि होगा डेंगू का तो उसको ख़त्म कर देगी, खा जाएगी। इसी तरीके से जनपद में जो हमारे 13 गाँव इस टाइम पर इफ़ेक्टेड हैं उन सभी 13 गाँव के तालाबों में भी ये पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मछली को, गंबूशिया मछली को छोड़ा जा रहा है ताकि उन गाँव के तालाबों में भी कहीं पर भी लार्वा जो है डेंगू का वो बचा ना रह पाए। सेप्टेम्बर का महीना इसीलिए अच्छा भी है क्योंकि एक ये मछली लगभग 100 से 200 अंडे देकर और प्रजनन के बाद 100 से 200 गुना हो जाती है। तो यहाँ 500 मछलियाँ अभी छोड़ी गई हैं इस तालाब में। ये 500 मछलियाँ 50,000 से लेकर 1,00,000 में इसी महीने के अंत तक ये बढ़ जाएंगी और यहाँ का जो लार्वा है उसको अभी तत्काल ये मछलियाँ जो है खाकर ख़त्म कर देंगी। प्रत्येक मछली प्रतिदिन 250 लार्वा खाने की इनकी क्षमता रहती है। तो ये मछली हमारी डेंगू का जो प्रकोप है उसको रोकने के लिए बड़ी मददगार साबित। कहाँ से मछलियाँ मंगाई गई हैं? जनपद बदायूं से ये मछलियाँ जो हैं मंगाई गई हैं। 50,000 मछलियाँ यहाँ पर मंगाई गई हैं। सभी ब्लॉक्स में ये डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं और सभी जो गांव प्रभावित हैं वहाँ वहाँ पर उनके तालाबों में इन मछलियों को छोड़ा जा रहा है। ये जानकारी जो है हमें एक्सपर्ट्स के द्वारा मिली कि ये मछली जो है ये डेंगू का लार्वा जो है खाती है और उसके फलस्वरूप जो डेंगू के मच्छर का जो पनपने की जो स्थिति है उसको काबू में पाने के लिए ये मछली बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसीलिए ये गतिविधि पूरे जनपद भर में सभी तालाबों में की जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अनोखी पहल देखने को मिली है। प्राधिकरण के सेक्टरों और सभी गांवों को COVID-19 के चलते व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जोड़ा गया है। इन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गांव के लोग, सेक्टर के लोग समस्याओं को डाल रहे हैं जिसका निस्तारण समय पर किया जा रहा है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में CEO, ACEO, संबंधित अधिकारी सहित गाँव के प्रधान, RWA अध्यक्ष और समाज सेवी समेत तमाम लोग ग्रुप में जोड़े गए हैं। लोगों की तरफ से समस्याओं का फोटो और वीडियो डालने पर कर्मचारी तुरंत समस्या का समाधान करते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि जल्द ही ग्रुप को ग्रामीण स्तर तक ले जाया जाएगा। वहीं लोगों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस इस पूरे मामले पर मिल रहा है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ही अब समस्याओं का समाधान हो सकेगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जहाँ पर तमाम अधिकारियों को जोड़ा गया है, जहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को लिख कर वहाँ पर दे सकेंगे और जिसके बाद संबंधित अधिकारी वहीं पर उनका जवाब देंगे और समस्याओं का जल्द ही निस्तारण करेंगे। एक्चुअली एक प्रयोग के तौर पे ये कोविड परिस्थितियों में क्योंकि लोग आ नहीं पा रहे थे और समस्याएं उनकी हम तक कम्युनिकेट करने के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप का एक प्रयोग शुरू किया था जिसमें लोग अपनी कंप्लेंट्स डालते थे और हम उन्हें अटेंड करके रिजॉल्व करते थे जो दिन प्रतिदिन की उनकी समस्याएं थी उनसे संबंधित। इसमें जब हमें सफलता मिलने लगी तो इस एक्सपेरिमेंट को हमने और आगे किया और भी ग्रुप्स बनाए और इसको अब हम विलेज लेवल पे एक एकीकृत बड़ा ग्रुप भी बनाने की सोच रहे हैं जो डेडिकेटेड होगा कि रूरल जो एरियाज़ की प्रॉब्लम्स हैं उसमें लोग डाल सकें। अभी ऐसे ग्रुप SM लेवल पे हैं परंतु इसको हम और बड़ा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जनता की समस्याओं के लिए हम लोगों की संवेदनशीलता भी होनी चाहिए और ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि हम उनको जल्दी से जल्दी निस्तारित करें। उसी दिशा में ये एक फास्ट ट्रैक मोड का सोल्यूशन मोड हम लोगों ने निकाला है
जिससे कि अगर आज कोई कंप्लेंट होती है तो उसको त्वरित गति से पूरा प्रयास करते हैं कि हम कुछ ही घंटों में उसको अटेंड करके उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए, नहीं तो उसको एक दिन में हम हल कर देते हैं सामान्य तौर पर, क्योंकि सारे अधिकारी भी उसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इसलिए वो अपने आप कम्युनिकेट हो जाती है। पृथक से कोई निर्देश भी नहीं पारित करने पड़ते हैं। जिन विषयों पर हमें ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना होता है, हम उच्चाधिकारी भी सभी जुड़े हुए हैं उससे, वो लोग हम लोग तुरंत उसमें इंटरवीन करते हैं और इंटरवीन करके उसको फॉलोअप करके करवा देते हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।